गोइंग फॉर अ वॉक, बट उससे पहले सनस्क्रीन इज मस्ट. मेरा सबसे ज़्यादा ना फोरहेड टैन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा मुझे सनलाइट फोरहेड पे हिट करती है. फोरहेड पे हमेशा मैं ज़्यादा सनस्क्रीन लगाती हूँ. Don't forget your back of the neck. Don't forget your ears. Now, like a good kid, let's go. यहाँ पे ना मौसम का कुछ समझ नहीं आता. कभी बाहर तेज हवा चल रही होती है या फिर कभी बहुत तेज धूप होती है, तो मैं हमेशा ये पतली सी जैकेट डाल लेती हूँ. ये दोनों चीज़ों से बचा लेती है, तेज धूप में पैडिंग वगैरह से बचा लेती है और हवा में थोड़ा ठंड लगने से बचा लेती है. सुख तेरा देता. मैं वापस आ गई हूँ वॉक से और हार्डली मैंने 20 मिनट्स की वॉक करी है क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो गई है, एकदम चुभने वाली धूप. आई जस्ट कांट बेयर इट. अगर अब मुझे सुबह वॉक पे जाना है तो मुझे अराउंड 6:30 जाना पड़ेगा, जबकि अभी कुछ भी टाइम नहीं हो रहा, 7:38 हो रहा है, लेकिन ऐसी धूप आई हुई है जैसे आफ्टरनून हो गई हो. तो बहुत मुश्किल है इस टाइम वॉक करना. प्लस मुझे अभी थोड़ा सा सामान लेने जाना है, एग्स, मिल्क, फ्रूट्स वगैरह, तो मैंने सोचा वहां भी मेरी वॉक हो ही जाएगी, तो अभी फिलहाल घर चलते हैं. आई एम बैक और अभी मुझे इतनी गर्मी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है अब आने वाले कुछ दिनों में आप ऐसे बाहर निकल ही नहीं पाओगे, इतनी गर्मी हो जाएगी. हेयर इज माई ग्रॉसरी जो मैं लेकर आई हूँ. दिखाती हूँ क्या लाई हूँ. फर्स्ट एग्स, क्यूकम्बर्स, मिल्क. मुझे जो मिल्क चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, तो मैं अभी काम चलाने के लिए ये दूसरा मिल्क ले आई हूँ छोटा सा. धनिया, पटेटोज, गोभी, सबकी फेवरेट भिंडी, सम जिंजर. अब मैं जाऊंगी शावर लूंगी क्योंकि बहुत पसीना पसीना हो रही हूँ. फिर आई प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट और फिर पियेंगे हम चाय. और मैं अदरक लाई हूँ तो अदरक वाली चाय पियेंगे. मुझे एक फुल एग चाहिए था और एक एग का सिर्फ एग वाइट चाहिए था, तो ये थोड़ा टास्क है, बट वी विल डू इट. एंड वी डिड इट. सिर्फ एक फुल एग और एक एग वाइट बस.
मैंने इसमें चॉप कर लिया रेड बेल पेपर, हाफ टमेटो और एक रेड ग्रीन चिली। ये दोनों चीज़ें साथ में बनने रख दी है। यहाँ पे बन रहा है मेरा ऑमलेट और यहाँ पे बन रही है मेरी अदरक वाली चाय। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। साथ में मैं थोड़ी सी सॉस ले लेती हूँ। बाहर मैंने अभी देखा हमारी सोसाइटी में बिल्डिंग्स की क्लीनिंग हो रही है और ये कितना रिस्की लग रहा है देखने में। हैट्स ऑफ यार, मतलब ये कैसे हमारी बिल्डिंग की ग्लासेस क्लीन कर रहे हैं। लंच में मैं आज सोच रही हूँ कि आलू गोभी बनाती हूँ, तो आलू मैं एक ही डालने वाली हूँ, गोभी ज़्यादा डालूंगी। तो ये रही गोभी, इसको जल्दी से कर लेते हैं चॉप चॉप। गोभी में हमेशा थोड़ा कीड़े वगैरह का डर रहता है, इसलिए मैं थोड़ी देर इसको गर्म पानी में सोख रखती हूँ बनाने से पहले। मुझे ना अभी इतनी हंसी आ रही है, अभी रोहन का फ़ोन आया था, ही इज़ एट वर्क, तो उसने मुझे पूछने के लिए फ़ोन किया था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो मैंने उसको बोला मेरा ना चीज़ केक खाने का मन हो रहा है, पर चीज़ केक का कॉस्ट देख के मुझे बहुत दुख होता है, तो मैं खुद से तो ऑर्डर करूँगी नहीं, आप मेरे लिए ऑर्डर कर दो और मुझे ना कॉस्ट वगैरह मत बताना। तो उसने कहा ठीक है, मैं एक सरप्राइज़ ऑर्डर लगाता हूँ जो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं है। तो अभी मेरा चीज़ केक आने वाला है, मुझे बहुत हंसी आ रही है। माय गोभी इज़ रेडी और यहाँ पे बन रही है रोटी। माय चीज़ केक इज़ हियर। साथ में कुछ और भी आया है, चिली चिकन एंड चीज केक। खिचड़ी एंड डिनर, द हेल्दीएस्ट डिनर ऑप्शन। Ending this video right here and going to sleep. I'll meet you in my next video. Till then, goodbye.